जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल एंड वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी द टॉपिक्स. टुडेज पॉइंट इज लीडरशिप, बजट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लीडरशिप. लीडरशिप किसे कहते हैं? अगर हम इसको हिंदी में समझें तो लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हम किसी की एक समूह या ग्रुप की सहायता करते हैं, यानी उस पर कमांड रखते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं. किसी भी ग्रुप को नियंत्रित करना, कमांड करना ही लीडरशिप कहलाता है. ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें डार्लिंग आर के अकॉर्डिंग, जो कि एक राइटर हैं, इन्होंने कहा है कि नेतृत्व से ही सत्ता दिखाई जाती है तथा फैसले लिए जाते हैं. तो आई होप इसमें कुछ समझने वाला नहीं. क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप देखें तो लीडरशिप की ही स्पेलिंग को डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे ही अपने बुक में दिया गया और आप अपने एग्ज़ाम्स में भी इसको एज इट इज़ लिखेंगे. एल फॉर लॉयल्टी होता है, यानी कि अपने काम के प्रति लॉयल रहे. और ई फॉर इंडोरेंस, इंगेजिंग पर्सनैलिटी, यानी कि जिस भी वर्क में आप काम कर रहे हैं उसमें इंगेज रहें, उसमें इंगेजिंग पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक काम को उसके एम तक पहुंचा सकेंगे. ए फॉर अल्टरनेट एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने की, कोऑर्डिनेशन कराने की. ठीक है, डी फॉर होता है डिसिप्लिन, ड्यूटीफुलनेस एंड डिपेंड एबिलिटी. ठीक है, ड्यूटीफुलनेस उसके अंदर होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए. जब उसके अंदर अनुशासन होगा तभी वो दूसरे को अनुशासित कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आर. आर फॉर रिलायबिलिटी, राइट थिंकिंग एंड राइट जजमेंट. जब आप सही जजमेंट कर पाएंगे, रिलायबिलिटी रख पाएंगे, तभी आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं और अच्छे लीडर बन सकते हैं. सिंसियरिटी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. सेक्रीफाइस वो करे, एक लीडर जब तक सेक्रीफाइस नहीं करता है तब तक वो एक अपने गोल्डन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है. एच फॉर हेल्थ, यानी कि हेल्थ, ऑनेस्टी एंड ह्यूमर उसके अंदर होना चाहिए. ऑनेस्टी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छा वर्क कर पाएंगे. आई फॉर इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट इन टीचिंग. जब तक हमारे अंदर टीचिंग की एबिलिटी नहीं होगी, टीचिंग का इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक हम सामने वाले को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं. पी फॉर पर्सनालिटी, फिजिकल स्किल, पब्लिक रिलेशन. आपके पब्लिक रिलेशन कैसे हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी लीडरशिप पे. तो ये सारे जो लीडरशिप के अंदर के पार्ट्स हैं वहीं आपको ध्यान रखने हैं और उससे आप लिख सकते हैं लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में. ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं पर्यवेक्षण. तो मीनिंग ऑफ सुपरविजन समझ लेते हैं, यानी कि पर्यवेक्षण किसे कहते हैं. शारीरिक शिक्षा में किए गए कार्य की प्रगति एवं बेहतर सेवाओं व सुधारों के लिए किए गए कार्य को कहते हैं. परंतु शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन का एक मुख्य कारण है कि अध्यापन की योग्यता में, यानी सिखाने की जो योग्यता है उसमें हमें सुधार लाना है. सुपरविजन का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, उसको उसमें सुधार लाना है, उसकी वे ऑफ एक्टिविटी में हमें सुधार लाना है. डिफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू ब्राउन, सुपरविजन इज़ टू हेल्प टीचर टू डू देयर जॉब बेटर. यानी कि सुपरविजन इसलिए होता है कि जो शिक्षकों का कार्य है उसको हम उत्तम यानी कि बेटर बनाने में सहायता कर सकते हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन देखें तो पर्यवेक्षण सहायक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा दोनों ही में सामान्य परिस्थितियों में उन्नत करने का उत्तम साधन है. पर्यवेक्षण विद्यालय के सामान्य प्रशासन का अनिवार्य अंग है, यानी कि उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सुपरविजन. सुपरविजन हमें एक क्वालिटेटिव पर्सन बनाता है. ठीक है, पर्यवेक्षण के अंतर्गत विद्यालय के समस्त साधन यानी कि वित्त भवन, क्रीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स एरिया, उपकरण स्विमिंग पूल और व्यायामशाला, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सुपरविज़न की ज़रूरत होती है. शिक्षकों के द्वारा अपनाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियां हैं, यानी कि टीचिंग मेथड हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, वो उसमें डेवलप करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं और जिसके कारण हमारी टीचिंग एबिलिटी और अच्छी हो जाती है सुपरविज़न की वजह से. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ अरेंजमेंट फॉर समथिंग. हम किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले उसके अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलाना, उस पर काम करना या उसको ऑर्गेनाइज करके रखना. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजर सुपरवाइजर, यानी कि संगठनकर्ता और पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, इनको वन बाय वन देख सकते हैं. प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि जो भी सुपरवाइजर है, ऑर्गेनाइजर है, उसके पास पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं
तो आपके पास DPED, BPED, MPED ऐसी डिग्रियाँ होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी कार्य को, किसी भी इवेंट को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, किसी भी टीम को किस तरह से आप हैंडल करेंगे, लीड करेंगे, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप किसी काम को अंजाम तक पहुँचाएंगे। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कुछ वर्क आप टेक्निकली भी करना जाने, यानी कि कंप्यूटर पे उसको कैसे ईजी कर सकते हैं, कैसे किसी भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम को ईजी बना सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ पब्लिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जस्टिंग लविंग होना चाहिए, सबके साथ आप जस्टिस करें, ठीक है। कैपेसिटी टू डिसाइड क्विकली, यानी कि आप जल्दी से जल्द डिसाइड करें, जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर सबको संतुष्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है बजट। बजट फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसको हम बजटे बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है छोटे से थैले, यानी एक छोटे से थैले में हमारा कितना बजट है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, कितना आय हमारी क्या है और व्यय हमारा क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिफिनीशन ऑफ बजट देखते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ बजट क्या होता है, आय और व्यय का अनुमानित जो व्यय होता है उसी को हम बजट कहते हैं, यानी कि हमारी कितनी आय है और हमारा कितना खर्चा है, उसका जो हम एक लिस्ट बनाते हैं पूरे साल की, और किस तरह से हमें खर्चे करने हैं, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ कौन सा पैसा लगाना है, उसको हम बोलते हैं बजट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बजट देख ले तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सम रिवाइज्ड फॉर बजट एनालिसिस बजट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि विगत पीछे के जो 3 वर्ष हैं उनके बजट का विश्लेषण हमारे पास होना चाहिए। एस्टिमेट इनकम इन फाइनेंस, वित्तीय वर्षों में अनुमानित आय जो हमारी है वो हमें पता होनी चाहिए। हम बजट कमेटी बनाएंगे और इकोनॉमिकल बजट बनाएंगे, यानी मितव्ययी बजट बनाना चाहिए, ठीक है। बजट ऑफ पीई प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, जब भी हम एक लिस्ट देख लेते हैं बजट की, जो कि फिजिकल एजुकेशन की एक प्रोग्राम की स्कूल की एक लिस्ट है, जो कि आय के ऊपर डिपेंड है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, कैसे आय बनाएंगे। तो आपके सामने एक लिस्ट है विगत वर्षों की शेष राशि, यानी जो पीछे वर्ष है उनमें जो बची हुई राशि है उसको हम देखेंगे। विद्यालय से बचत से स्वीकृत राशि, पुराने उपकरण से नीलामी से राशि, क्रीड़ा शुल्क यानी कि जो स्टूडेंट से लेते हैं स्पोर्ट्स फी, और सरकारी अनुदान कितना है, स्टैंडर्ड मैच में कितने टिकट्स की कितनी बिक्री हुई और उससे हमें कितने पैसे मिले, कितनी आय हमारी हुई, दान किसी ने दिया है तो उस दान से कितनी आय हमें प्राप्त हुई, इन सबको टोटल करके, और भी ऐड कर सकते हैं, इन सबको टोटल करके हमें पास कितने आय का स्रोत कितना हुआ, ठीक है। इस तरह से हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं प्रोग्राम की, ठीक है। ऐसे ही हम सोर्स ऑफ इनकम देख लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में विगत जो वर्षों की राशि है वो देखेंगे, विद्यालय से स्वीकृत की गई राशि देखेंगे, पुराने जो उपकरण हैं उनकी हमने जो नीलामी की है वो कितनी में नीलामी हुई है, एक इस तरह से जैसा आपकी आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा उस तरह की हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और ठीक है, और इन सारी आयों को मिला के हम जो भी हमारा टोटल होगा वो हमारे आय का स्रोत होगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि व्यय की मदे, उपकरण को क्रय करने पर कितना पैसा मिला, ठीक है, मैदानों की देखरेख व सुधार पर कितना पैसा लगा या हमें कितना पैसा लगाना है, वार्षिक क्रीड़ा समारोह व पुरस्कार, यानी जो प्राइजेस देंगे हम एनुअल स्पोर्ट्स में, और जो भी हमारी प्रतियोगिता होंगी उनका जो पत्र व्यवहार होगा, खेल संबंधी पत्रिकाएं और पुस्तकों पर, बाहर जो जाने वाली टीम्स हैं उनका खाना पीना, उस पे हम जो भी व्यय करेंगे, आकस्मिक व्यय यानी अचानक से जो भी हमारा एकदम से पता चलता है कि मुझे अब ये चीज़ सर्टन चीज़ खरीदनी है, ठीक है, विभाग को भेजा गया शुल्क, अंत में समूह प्रतियोगिताओं पर, जो लास्ट में जो हमारी टीम प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन पे हमारा कितना खर्चा हुआ है, उनको जोड़ के हम अपना पूरे साल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? तो HL Hazel ने एक यहाँ पे डेफिनेशन दी है, उसको हम समझते हैं। प्रबंधन किसी भी कार्य को सही तरीके से करना या उसका आयोजन करना है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो किसी भी चीज़ का आयोजन करना है, जिसमें हम 3-4 लोगों को जोड़ते हैं, उसको अलग अलग काम सौंपते हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, हम एक मैनेजमेंट पूरा तैयार करते हैं, जिसके कारण अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ाना और सीखना दोनों ही हो जाता है, और एक अच्छे मैनेजमेंट की वजह से हमारी अच्छी चीज़ें चलती हैं बिल्कुल मैनेज वे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक मैनेजमेंट में
कुछ लोग समझा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, अपने आइडियाज़ भी दे रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और लूथर ग्लिक की अगर माने तो मैनेजमेंट उन्होंने इस तरह से उसको फिगर आउट किया है। प्लानिंग करते हैं पहले हम कि किसी चीज़ भी का भी मैनेजमेंट बनाते हैं उसका हम पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और स्टाफिंग करते हैं, इसमें कौन कौन से लोग किसको किसको कौन सा काम दिया जाए, डायरेक्टिंग करते हैं उसका, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से कि आप कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से बातचीत करके और उस काम को अंजाम दें, और रिपोर्टिंग करते हैं कि वो सारा काम जो है वो किस किस तरह से कर रहा है, बजटिंग करते हैं उसकी। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन फिज़िकल एजुकेशन, तो इसमें 6 पॉइंट हैं, तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। खेलकूद में क्रियाओं को प्रोत्साहन देना, ठीक है, खेल स्पर्धा के प्रति विश्वास का बना रहना है। खेल प्रबंधक एक तंत्र के रूप में होता है, ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है एक सिस्टम पूरा होता है, और आज के लिए समय में खेल यानी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है, जिसकी वजह से हम अपने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं ईजिली डेवलप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सहायता, नेतृत्व की आवश्यकता यानी कि लीडरशिप की हमें बहुत आवश्यकता होती है किसी मैनेजमेंट को करने के लिए और बाकी चीज़ों को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पावल फिजिकल एजुकेशन, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सी यू सून, जय हिंद।